प्रिय शिक्षार्थियों, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, शांतिपुरम प्रयागराज। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम यहाँ अपने परा स्नातक में पातंजलि योग सूत्र, जो अपना एक विषय है, उसके विषय में अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे। शिक्षार्थियों, सबसे पहले कुछ जानकारी हमको होनी चाहिए। हम परा स्नातक के छात्र हैं, योग विषय से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो हमें योग के विषय में जानकारी अवश्य होना चाहिए। योग, जैसा कि हम जानते हैं, योग शब्द से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ का योग होना अर्थात जुड़ाव होना। तो जुड़ाव कैसा, तो जब हम ऐसे जुड़ाव के बारे में जब बात कर रहे हैं योग के विषय में, तो हम देखते हैं कि विभिन्न जो महर्षि हैं, अपने जो संत हैं जिन्होंने योग पे कार्य किया है, उन्होंने बहुत से विषयों को बताया है। सबसे पहले हम वेदों में जाते हैं, तो वेदों में जब जाते हैं तो कई जगह पे इसका विचार आता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। कई उपनिषदों में, श्वेतासुर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, अन्य कई उपनिषदों में कुछ इसी प्रकार की बातें आती हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है कि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। आर्ष ग्रंथ किसे कहते हैं? जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं आदि जो ग्रंथ हैं, वो आर्ष ग्रंथ का है, उनका अध्ययन ही योग है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने योग के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि योग युज धातु में धय प्रत्यय लगाने पे बना हुआ है। योग को तीन अर्थों में उन्होंने विभाजित कर दिया है, युजिर योगे, युज सैमने, युज समाधो। युजिर योगे अर्थात योग एक जोड़ है, युज सयमने अर्थात योग एक संयम भी है, युजिर समाधो योग समाधि भी है। इस प्रकार उन्होंने योग को तीन अर्थों में लिया, योग के अर्थ में, संयम के रूप में और अंत में समाधि के रूप में। तो इस प्रकार जब हम और आगे बढ़ते हैं तो महर्षि वेद व्यास, जिनको अपने चारों वेदों का जिन्होंने संकलन किया, महाभारत उन्होंने जैसा बृहद सूत्र में लिखा जिसमें 1,00,000 सूत्र हैं, पुराणों का संकलन किया, उपनिषदों का संकलन, महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत ही व्यापक तरीके से इस योग पे अध्ययन और ग्रंथों को उन्होंने लिखा। उन्होंने योग के बारे में कहा है योगः समाधि अर्थात योग एक समाधि है। इस प्रकार हम जब देखते हैं तो योग एक बहुत ही व्यापक शब्द है, योग के बहुत ही अर्थ निकलते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं तो हम अपने कई विषय हैं, जैसे गणित में हम जाते हैं तो गणित शास्त्र कहता है योग का अर्थ है जुड़ना, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ दिए 12 हो गए, इस तरह से जुड़ाव होना अर्थात 2 अंकों का जोड़ ही योग है। फिर रसायन शास्त्र में चले जाते हैं तो रसायन शास्त्र कहता है कि 2 अभिकारक आपस में मिलकर जब एक नए वस्तु या अभिकारक की उत्पत्ति कर देते हैं वह योग है। वर्तमान में समाज के रूप में जब देखते हैं सामाजिक परिवेश में तो कहा जाता है कि कर्ता का कर्म से मिलना ही योग है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि योग एक बहुत ही व्यापक शब्द है। प्रिय शिक्षार्थियों, योग से जब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में जिनका हम आज बहुत नाम सुनते हैं, पतंजलि योग सूत्र जिसका आज हम लोग यहाँ अध्ययन भी करेंगे, महर्षि पतंजलि को जब पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने पहले ही उनके जो पतंजलि योग सूत्र है, थोड़ा उसका हम बताना चाहेंगे विद्यार्थियों। इन्होंने, पतंजलि जी ने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। समाधि पाद पहला है, साधन पाद। प्रिय शिक्षार्थियों, तो हम जब पतंजलि योग सूत्र पर जब जाते हैं तो पतंजलि योग सूत्र महर्षि ने इसको 4 हिस्सों में बांटा। सबसे पहले हम उन्होंने योग के बारे में क्या कहा, फिर आगे हम
इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। तो योग के विषय में उन्होंने अपने पहले ही पाद में, समाधि पाद में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस प्रकार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। विद्यार्थियों, हम यहाँ योग के बारे में जान चुके हैं, अब अपने धीरे से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिनका आज हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र का परिचयात्मक अध्ययन। पतंजलि योग सूत्र हमारा जो विषय है उसको हमें पढ़ना है परास्नातक में। अगर हम इस विषय को पढ़ ले गए तो हमारे कंपटीशन में भी, कंपटीशन के भी जो भी छात्र हों जिनको आगे भविष्य में नेट देना है, आगे पीएचडी करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका सही से अगर अध्ययन कर लेते हैं तो हम अपने कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि जी के इस पतंजलि योग सूत्र से बहुत से प्रश्न बनते हैं हमको। अगर हम योग के विद्यार्थी हैं तो इसका अच्छे से अध्ययन अवश्य आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। पतंजलि योग सूत्र का परिचयात्मक अध्ययन में सबसे पहले देखेंगे, योग विश्व को भारतीय मनुष्यों द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य धरोहर है, जिसके द्वारा आज पूरा विश्व एक सूत्र में बन रहा है। आज हम देखते हैं विद्यार्थियों, इस पूरे विश्व में लगभग 170 से अधिक देशों ने हमारे योग को मान्यता प्रदान कर दिया है। हर साल 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। आने वाला 21 जून हमारा 9वां योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, योग के विषय में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि योग भारतीय परंपरा का एक ऐसा विषय वस्तु है जो वसुधैव कुटुंबकम, हम यहाँ देख भी रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे संसार को एक कुटुंब के रूप में निर्देशित करता है। ये सारा संसार हमारा विश्व है। योग ऐसा विषय है जो हमें आपस में बांधता है, हमें कई बुराइयों से मुक्त करता है, हमें एक प्रेम भाव उत्पन्न करता है। तो योग के हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ेंगे, अब अपने विषय पर आते हैं। विद्यार्थियों, जब हम योग की बात करते हैं तो कई भारतीय विभूतियों की छवि हमारे सामने प्रस्तुत होती है। उन्हीं महान विभूतियों में से महर्षि पतंजलि भी एक थे। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र को लिखा क्यों, आज हम परिचयात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या हुआ कि महर्षि पतंजलि ने योग को संकलित किया और एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, जिस समय संसार भर में तरह तरह के योग फैले हुए थे, मतलब एक समय ऐसा आया कि संसार भर में कई प्रकार के लोग योग को कई तरीकों से जानने का प्रयास कर रहे थे, कई भ्रांतियां फैल चुकी थी। इन्हीं सब को देखते हुए महर्षि पतंजलि ने अनेक प्रकार के योग एवं उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए और योग के सही स्वरूप को सामने लाने के लिए चिंतन और मनन किया, और उसके उपरांत पतंजलि योग सूत्र के रूप में आज हमें योग की प्रसिद्ध कृति पतंजलि योग सूत्र प्राप्त होती है। इस पतंजलि योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं। विद्यार्थियों, अब हम इसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस इकाई को, इस विषय को पढ़ने के बाद हम अपने प्रथम पाद को समझ सकेंगे। पाद क्या है विद्यार्थियों, हम जानेंगे कि महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र को चार पादों में बांटा है। चार पाद अर्थात चार अध्यायों में बांटा, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। उसके पहले विद्यार्थियों हम ये देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने ये जो पतंजलि योग सूत्र है इसका काल लगभग कब इसका लिखा गया, कैसे गणना किया जाता है, तो लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। योग में पतंजलि योग सूत्र को भारतीय दर्शन में प्रमुख एवं प्राचीन दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता हैं, इसको हमारे यहाँ भारतीय छः भारतीय दर्शन जो हैं, जो आस्तिक दर्शन है, उसमें से एक प्रमुख दर्शन के रूप में भी माना जाता है। योग सूत्र के प्रणेता और योग को विश्व के पटल पर लाने का श्रेय महर्षि पतंजलि के जाता है। महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग के साथ साथ अन्य कई विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना किया। विद्यार्थियों,
जैसा कि महर्षि पतंजलि के बारे में भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो जब हम देखते हैं तो महर्षि पतंजलि का जन्म लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। शुंग काल के समकक्ष थे ये, ऐसा कहा जाता है कि जो शुंग वंश थे उनके कई शासनकाल में कई यज्ञ हवन महर्षि पतंजलि ने ही कराया, अर्थात वो उसके समकालीन थे। महर्षि पतंजलि विद्यार्थियों, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल के समकक्ष गुणार्द जिले में हुआ था। इस पर भी आज भी कई लोग इस पर सहमत नहीं हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक कुछ प्रामाणिक और उस पर जब अध्ययन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के गुणार्द जिले में हुआ। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी इनका जन्म का वो माना जाता है, कुछ मतभेद है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो भी किया, जो ऐसे योग के प्रणेता होते हैं, योग में जिनका वो है, वो अपने आप की प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करते हैं, इसलिए अपने विषय में उन्होंने बहुत चीज़ें जानकारी हम लोगों को नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग इनको शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो चरक संहिता आज हमारे सामने उपस्थित है, जिसको हम पढ़ते हैं, उसका भी इन्होंने ही लेखन किया है, महाभाष्य को इन्होंने वर्णित किया है। इसके बाद हम पतंजलि योग सूत्र पे आते हैं विद्यार्थियों। इसमें कुल 195 सूत्र हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल पाद, चार पाद अर्थात चार अध्यायों में यह विभक्त है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल पाद, चार अध्याय हैं, 195 सूत्र हैं। क्रमशः अब जब हम जाएंगे समाधि पाद में, कुल 51 सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पाद साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में भी 55 ही सूत्र हैं, चौथे पाद जो हमारा केवल पाद है, केवल पाद में कुल 34 सूत्र हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, समाधि पाद, पहला जो पाद है उस पे आते हैं, समाधि पाद। पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद समाधि पाद के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुल 51 सूत्र हैं। पतंजलि योग सूत्र, महर्षि ने योग की परिभाषा इस पाद में क्या क्या उन्होंने बताया है, इसको अब हम जानेंगे। महर्षि ने इस पाद में परिभाषाओं का, योग की परिभाषा, वृत्तियों का स्वरूप, उन वृत्तियों को शांत करने का उपाय, वैराग्य का स्वरूप, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन, योग सिद्धि की विधि, साधकों के प्रकार, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की विशेषता, योग के अंतराय अर्थात योग के बाधक का, विघ्नों का, इन विघ्नों या अंतराओं को शांत करने का जो उपाय है, चित्त प्रसाद की प्राप्ति आदि, ऐसे देख रहे हैं अनेक विषयों का इन्होंने वर्णन किया। समाधियों का भी वर्णन किया है, निर्बीज समाधि, अंत में निर्बीज समाधि का इन्होंने वर्णन करते हुए पहले पाद, समाधि पाद जिसको हम जान रहे हैं, पहला पाद उसका इन्होंने विराम किया है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अभी हम केवल परिचयात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इसके अगले जो हमारा सत्र होगा उसमें हम इसको पूरा पूरी तरह से जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक पर विचार करेंगे। अभी हम परिचय ले रहे हैं। दूसरा हमारा जो पाद है वो साधन पाद है। साधन पाद में विद्यार्थियों, ये दूसरा पाद है, साधन पाद के रूप में जाना जाता है। इस द्वितीय पाद में अष्टांग योग का प्रारंभ किया है, जो वर्तमान में सबसे अधिक प्रासंगिक है। वर्तमान में विद्यार्थियों अष्टांग योग का हम लोगों ने बहुत नाम सुना है। जो अष्टांग योग है, इसी साधन पाद, महर्षि ने इसी पतंजलि योग सूत्र के जो दूसरा पाद है, जिसको हम साधन पाद कह रहे हैं, वहीं पे इसका शुरुआत किया है। यहीं पे अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, वर्तमान में अधिकांश योगाभ्यासी इसी अष्टांग योग का पालन करने का प्रयासरत दिखलाई पड़ते हैं। इस पाद में विशेष रूप से क्रिया योग, क्लेशों का वर्णन, कर्म का वर्णन, विवेक ख्याति का वर्णन, हाँ एक चीज और जानना है, अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों का वर्णन अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 जो प्रथम
अंग है उनका वर्णन इस दूसरे पाद साधन पाद में हमें दिखलाई पड़ता है। अंत में प्रत्याहार का वर्णन करते हुए इस द्वितीय पाद को कुल 55 सूत्रों में महर्षि ने पिरो के इसका समापन किया, अर्थात इसको भी विराम किया है। अष्टांग योग के माध्यम से ही यम एवं नियमों आदि का वर्णन किया, साथ ही उनकी विशेषताओं का, यम और नियम के विद्यार्थियों, यम और नियमों का भी वर्णन और उनकी विशेषताओं का वर्णन इसी पाद में हम देखेंगे। इसको हम अगली सत्र में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, विभूति पाद पे आते हैं। विभूति पाद क्या है? जैसा कि नाम से ही जान रहा है, पता चल रहा है, महर्षि ने ये तीसरा पाद विभूति पाद के रूप में लिखित किया है। इसमें हमको साधना के बाद मिलने वाले कई प्रकार की विभूतियों का प्राप्ति जो होती है उसका वर्णन प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, जीवन में बिना साधना, अर्थात क्या, बिना साधना के कोई कार्य नहीं होता, बिना लगन के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए हम जब पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं तो हमें जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, संयम की प्राप्ति होती है। हम लोग योग के विद्यार्थी हैं तो एक बार इसको बहुत ही मन से और सरलता से पढ़ना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। पतंजलि योग सूत्र के तृतीय पाद को विभूति पाद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि विभूति के नाम से ही इसके अर्थ का स्पष्ट हो रहा है कि इस पाद में विभूतियों का वर्णन किया गया। विभूति पाद में महर्षि ने अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया है। इन विभूतियों को योग साधना के मार्ग में विघ्न माना जाता है, अर्थात योग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन विभूतियों को विघ्न माना जाए। हमारे पास जितनी विभूतियाँ आ रही हैं विघ्न हैं, क्योंकि लक्ष्य तो कुछ और था। लक्ष्य हमारा केवल की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति है। शिक्षार्थियों, धीरे धीरे हम इस पर गहन चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा विषय। आगे बढ़ते हैं। साधक को उसकी साधना के फलस्वरूप अनेक विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस पाद में अष्टांग योग के अंतिम तीन अंगों, जैसा कि हमने बताया कि प्रथम पांच अंग साधन पाद में वर्णित है, आखिरी के तीन पाद अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इसका वर्णन हमें इसी विभूति पाद में प्राप्त होता है। इन तीनों अंगों को अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, इनको अंतरंग कहा गया। तो प्रथम पांच अंगों को क्या कहा गया? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग कहा गया। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग अंग कहा माना जाता है। फिर हम इसी पाद में देखते हैं धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को ही मिलाकर महर्षि ने संयम के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अर्थात संयम क्या है? तो संयम तीन अंगों से मिलकर बना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों ही मिलकर संयम का रूप लेते हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, धारणा, ध्यान, समाधि इस बराबर इक्वल टू संयम, इस समझने के लिए हमने ये किया है। इसका जो सूत्र है, त्रयमेकत्र संयमा, अर्थात तीनों मिलके संयम बन जाते हैं। इसी संयम के सदते ही साधक को अनेक विभूतियों की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात विद्यार्थियों, जो हमें विभूतियाँ प्राप्त होती हैं वो कैसे मिलती हैं? तो इन्हीं धारणा, ध्यान, समाधि के बाद मिलने पे जो संयम सदता है उससे हमें अनेक प्रकार की विभूतियों की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान के इन्हीं विभूतियों का जगह जगह वर्णन मिलता है। विद्यार्थियों, जब महाभारत भीष्म पर्व के गीता में देखते हैं तो पता चलता है गीता में भगवान ने अर्जुन को कई विभूतियों का वर्णन किया। तो इसी प्रकार की कुछ विभूतियों का वर्णन हमारे महर्षि जी ने अपने इस पतंजलि योग सूत्र में भी वर्णित किया है। इसका हमें गीता में भी प्राप्त होता है वर्णन। वहाँ पर भी विभूति योग के नाम से एक अलग अध्याय ही देखने को मिलता है। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सूर्य में प्रकाश हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, ऋषियों में कपिल हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, आदि और अंत हूँ। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अनेक विभूतियों का वर्णन किया है। विभूति पाद प्रथम सूत्र धारणा से शुरू होता है,
विद्यार्थियों, विभूतिपाद को जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो इसका जो पहला सूत्र है वो धारणा से शुरू होता है। देश बंध चित्तस्य धारणा, योग सूत्र का पहला, विभूतिपाद का पहला सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा। चित्त को एक विषय में बांधना ही, बांध देना ही धारणा है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इसको जानते हुए अब आगे बढ़ते हैं। इस पाद में, विभूति पाद में क्या क्या वर्णन किया गया है इसको हम देखेंगे तो पता चलता है कि धारणा ध्यान समाधि की विशेषता, चित्त निरोध, परिणाम त्रय, अनेक प्रकार की विभूतियाँ, लगभग 40 से अधिक विभूतियों का वर्णन इस पाद में हमको प्राप्त हो जाता है। संयम द्वारा अनेक विभूतियों की प्राप्ति, संस्कार पर संयम, चित्त पर संयम, सूर्य पर संयम, चंद्रमा पर संयम, सोपकर्ण, निरूपकर्ण आदि अनेक प्रकार के संयम से मिलने पर वाली विभूतियों का वर्णन इस विभूतिपाद में हम देखेंगे। विविध प्रकार के बलों पर संयम, इन बलों पर संयम से भिन्न प्रकार की विभूतियों की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि महर्षि ने अनेक प्रकार के संयम, जैसे ध्रुव तारा पे संयम, चंद्रमा पे संयम, नाभि चक्र पे संयम, कूर्म नाड़ी में संयम, मूर्धा पर संयम, प्रातिभ ज्ञान से प्राप्त होने वाला विभूति, हृदय पे भी संयम का वर्णन इस पाद में हमको देखने को मिल जाता है। स्वार्थ पे संयम सद जाने पे कई सिद्धियां साधक को अकस्मात प्राप्त हो जाती। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो स्वार्थ है, जो वर्तमान में स्वार्थ से ही सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, उस पर भी संयम करने के लिए महर्षि ने जोर दिया है। और उस पर जब हम संयम करते हैं तो महर्षि कहते हैं अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति साधक को हो जाती है। प्रिय शिक्षार्थियों, जिनका वर्णन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि स्वार्थ पे संयम करने से कुल 6 विभूतियों की प्राप्ति होती है। महर्षि ने इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो महर्षि कहते हैं ततः प्राथिव श्रावण वेदन आदर्श अश्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्राथिव श्रावण आदर्श अश्वाद वार्ता जायन्ते। योग दर्शन में जब हम 3.3 से अर्थात विभूतिपाद का 36वां श्लोक है उसमें इस संयम का वर्णन प्राप्त होता है। तो कहते हैं प्रातिव श्रावण वेदन आदर्श अश्वाद और वार्ता, कुल ये 6 प्रकार की विभूतियों का वर्णन है। ये 6 प्रकार की विभूतियाँ संयम पे, स्वार्थ पे संयम करने से हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आगे इसी में ही उदान वायु पे विजय प्राप्त हो जाता है, समान वायु पर संयम का वर्णन है, कानों पे कर्ण, आकाश का संबंध, कर्ण और आकाश का संबंध, शरीर और आकाश का संबंध, महाविदेशावस्था का वर्णन, भूत जैसे प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियाँ। महर्षि ने अष्ट सिद्धियों का भी वर्णन विभूति पाद में किया है। आदि अनेक विभूतियों का वर्णन महर्षि ने इस पाद में कर दिया है। ये सभी विभूतियाँ साधक को उसके योग पथ पर मिलने वाली विभूतियाँ हैं। इसके साथ साथ साधक में मन सहित इंद्रियों पर विजय, मन के सदिश, मन सहित इंद्रियों पर विजय, मन के सदिश गति भी उस साधक को प्राप्त हो जाता है। शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की क्षमता, प्रकृति पर अधिकार आदि योग्यता स्वतः प्राप्त हो जाती है। जब हम देखते हैं शिक्षार्थियों, देख रहे हैं कि कई प्रकार की विभूतियों का वर्णन महर्षि ने इस विभूति पाद में कर दिया, तो हमें यह समझना होगा कि योग एक ऐसा विषय है, एक ऐसा वस्तु है जिस पर चलकर हम साधना की अवस्था में बढ़ के, साधक के रूप में बढ़कर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं जो सारी विभूतियाँ हम एक ईश्वर या भगवान में देखते हैं। तो अर्थात योग के माध्यम से हम ईश्वरत की ओर बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, उसको जानने के लिए हम आगे इस पे बात करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अभी कुछ मनोज वित्तम विकरण भाव प्रधान जन इंद्रिय जय की अभी हमने बात किया था, तो इसके लिए मनोज वित्त विकरण भाव प्रधान जय आदि का वर्णन इसी विभूति पाद में प्राप्त हो जाता है। क्षण और क्रम में भी साधक संयम करने में
सक्षम हो जाता है। अंत में महर्षि कहते हैं साधक का चित्त और पुरुष इन दोनों रूप से समान रूप से शुद्धि हो जाती है, जिससे दोनों को समत्व को प्राप्त कर कैवल्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के चार पुरुषार्थ हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इसमें से जो परम पुरुषार्थ है, जिसको चारों पुरुषार्थों में श्रेष्ठ माना गया, वो है मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष को ही हम निर्वाण कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं, या भगवत प्राप्ति कहते हैं, या ज्ञान की प्राप्ति भी इसको कहा जाता है। तो हमारा जो कैवल्य है, वो भी महर्षि ने अपने आखिरी चौथे पाद में, जिसको चौथे अध्याय में जिसको कहेंगे, कैवल्य पाद के रूप में ही वर्णित कर दिया है। शिक्षार्थियों, अब हम परिचयात्मक अध्ययन के चौथे, अपने पतंजलि योग सूत्र के चौथे पाद में, चौथे अध्याय में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है कैवल्य पाद। योग दर्शन का चतुर्थ पाद कैवल्य पाद के रूप में जाना जाता है। इसमें मात्र 34 सूत्र हैं। 34 सूत्र हैं। कैवल्य का अर्थ है पुरुष जो अविदित था। पहले हम जानना चाहते हैं, पुरुष जिसको महर्षि कह रहे हैं, वो पुरुष है क्या? विद्यार्थियों, इस शरीर में एक ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं परमात्मा का अंश, आत्मा है, उसी को यहाँ पे महर्षि ने पुरुष के रूप दिया है। तो जो पुरुष अविदित था, उसका विदित हो जाना, प्रकृति और पुरुष जो अलग अलग थे, प्रकृति और पुरुष अलग अलग थे क्योंकि हम पुरुष को जान नहीं पा रहे थे, उनका एक हो जाना, वो आपस में एक हो गए, जिसको हमने पहले ही कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना। वो कैसे संभव हुआ, उसका वर्णन यहाँ पे महर्षि ने किया है। प्रकाश पर पड़ा हुआ आवरण हट जाना। जब हम द्वितीय पाद में, साधन पाद में जाएंगे विद्यार्थियों, तो वहाँ प्राणायाम का चर्चा है। वहाँ पे भी कहा गया है कि प्राणायाम की विशेषता में कि प्रकाश पे पड़ा हुआ आवरण तथा छियते प्रकाशावरणम, प्रकाश पे पड़ा हुआ आवरण क्षीण हो जाता है। वहाँ वही बातें यहाँ पे कह रही है कि प्रकाश पे पड़ा हुआ आवरण हट जाना, ज्योतिर्मय परमात्मा का दिग्दर्शन हो जाना। इस प्रकार कैवल्य योग मार्ग का अंतिम लक्ष्य है। प्रिय शिक्षार्थियों, महर्षि ने अपने, अभी हमने पढ़ा समाधि पाद से हम कैवल्य पाद तक आए, 4 अध्यायों में लिखा है। तो योग की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, और अंत में जब कैवल्य पाद में आ रहे हैं तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है कि योग का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य। तो ये कैवल्य की अवस्था कैसे प्राप्त हो रही, तो बीच में जो मार्ग है अष्टांग योग का पालन करते हुए योग के द्वारा ही हम कैवल्य तक की प्राप्ति करते हैं। तो योग का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति होना। इस कैवल्य अवस्था को साधक साधना के बल पे क्रमोन्नत विकास करता हुआ प्राप्त कर लेता, अर्थात जो कैवल्य जिसको हमें प्राप्त करना है, वो अपनी साधना के बल पे धीरे धीरे उस मार्ग पे चल के अष्टांग मार्ग का पालन करते हुए हम इस कैवल्य तक की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ के माध्यम से वर्णित किया है। इसी पाद में सिद्धि प्राप्ति के माध्यम का भी वर्णन प्राप्त है। इन सिद्धियों का माध्यम से एक जन्म में होने वाली सिद्धि और दूसरा है औषधि, मंत्र, तप, समाधि जन आदि की सिद्धियां यहाँ प्राप्त होती हैं महर्षि पतंजलि। अब यहाँ पे हम समझेंगे विद्यार्थियों, एक ऐसा हमने बनवा दिया था, पतंजलि योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं, समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55, कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। कुल इसी प्रकार कुल 195 सूत्र हैं। सिद्धि के माध्यम क्या है, महर्षि ने उन सिद्धियों के बारे में बताया, वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो जन्म से, औषधि, मंत्र, तप और समाधि जन, इस प्रकार ये सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चित्त के वृत्ति के प्रकार, जैसा हमने चित्त वृत्तियों का भी हमने पढ़ा था, तो चित्त वृत्तियों के प्रकार क्या हैं, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट वृत्तियाँ, ये वृत्तियाँ जो साधक को साधना पथ से दूर ले जाती हैं, वो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं।
अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्या हैं? तो अक्लिष्ट हैं जो साधक को साधना पथ के मार्ग पे आगे ले जाती हो, अक्लिष्ट वृत्तियाँ। इसी में आपने चौथे पाद में ही संस्कारों के संग्रह से वासना बलवती हो जाती है, इन्हें हेतु फल आश्रय आलंबन के अभाव में होने वाले संस्कारों का अभाव कहा जाता है। इस पाद में आगे महर्षि ने चित्त और उसके शांत होने पर निकलने वाले परिणाम को भी व्यक्त किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखेंगे कि महर्षि ने अनेक प्रकार से साधक को अंत में हम अपने समाधिपाद का जो दूसरा इस श्लोक था जिससे हमने शुरुआत किया कि योग है क्या, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा उसको हमने दिया है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हम विचार करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि चित्त की वृत्ति मानसिक वृत्तियों से संबंधित है। विद्यार्थियों, आजकल अष्टांग योग का ज़्यादा पालन देखने को मिलता है, लोग शारीरिक रूप से आसन पर ध्यान दे रहे हैं, प्राणायाम पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, लेकिन महर्षि का जो पतंजलि योग सूत्र है वो पूरी तरह मानसिक एकाग्रता के लिए प्राप्त होता है, अर्थात मानसिक धारणा के द्वारा, मानसिक योग के द्वारा हम अपने योग को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं मानसिक, यहाँ पे देखिए चित्त की वृत्ति मानसिक स्थिति से ही संबंध है। साधक जब अभ्यास और दृढ़ता पूर्वक इन चित्त वृत्तियों का निरोध का प्रयास करता है तब उसके अंदर उपस्थित विकारों के समूह का धीरे धीरे समान होने लगता है। विद्यार्थियों, हमारे अंदर जो विकार हैं वो कैसे खत्म होंगे? तो महर्षि ने इसीलिए कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर जाइए। जब इनका निरोध करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर जो षड विकार हैं जिन्हें हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के नाम से जानते हैं, उनका नष्ट होने लगता है, वो विकार नष्ट होने लगते हैं। इन्हीं विकारों को नष्ट किए बिना कोई भी साधक योग की उच्चतम अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रिय शिक्षार्थियों, योग में जो हमको अपने समाधि तक की अवस्था प्राप्त करना है, जो योग की अंतिम और उच्च अवस्था मानी जाती है, वो बिना अपने मन में अपने अंदर उपस्थित विकारों को दूर किए नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अतः पतंजलि योग सूत्र का दूसरा ही सूत्र यह सिद्ध करता है कि योग मार्ग पर चलकर तथा पतंजलि योग सूत्र को भली भांति समझकर कोई भी व्यक्ति उस विधि पर लग भर जाए तो स्वयं ही, स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने समाज, राष्ट्र और गौरव के लिए भी एक पूंजी बन जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पतंजलि योग सूत्र के चारों पादों का, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और अंत में कैवल्य पाद का पूरा विश्लेषण किया, एक तरह से परिचयात्मक अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम समाधि पाद से शुरू करते हुए अंत में कैवल्य पाद तक चलेंगे, एक एक करके सारे पादों, सारे अध्यायों को समझने का प्रयास करेंगे। आशा है विद्यार्थियों, आपको आज की जो विषय है, आज की जो अपनी ये चर्चा रही, अच्छा लगा होगा। हम अगले सत्र में समाधि पाद से अपने पतंजलि योग सूत्र, जो अपना प्रायः स्नातक में जो एक विषय है, उसको शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।